हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एंड द शेप ऑफ बी आर एफ थ्री मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, बी आर एफ थ्री मॉलिक्यूल पर कितने लोन पेयर्स हैं और उसका शेप क्या है। इसके लिए मैं निकालूंगी वेरी इजी हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालूंगी। ये क्या आएगा, हाफ प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस वैलेंट एटम्स माइनस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, इसका मतलब ये क्या आएगा, हाफ इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के आएंगे सात, तीन हमारे सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम है, इसका मतलब क्या आ गया पांच, दैट इज इक्वल sp3d। sp3d में अगर तीन सराउंडिंग एटम है मतलब तीन बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने जाएंगे, फाइव माइनस थ्री विल बी टू लोन पेयर। ओके, अब इसका मतलब क्या आ गया, अगर तीन बॉन्ड पेयर होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं, इसका मतलब विद sp3d हाइब्रिडाइजेशन ये आता है हमारा टी शेप, राइट। ओके, टी शेप बोलो या बेंट टी शेप बोलो, कैसे बनेगा ये मैम, br यहां पे फ्लोरीन को मैक्सिमम यहां पे रखो, यहां पे क्योंकि यहां पे बॉन्ड एंगल क्या है, मिनिमम है 90 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, पी कैरेक्टर ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होते हैं, एस कैरेक्टर फोबिक या पी कैरेक्टर लविंग। तो इसीलिए मैं इन्हें क्या करती हूँ, एक्चुअल पे रखती हूँ। एक और फ्लोरिन आएगा यहाँ पे, बाकी दो जो हमारे लोन पेयर्स हैं इस तरीके से आएंगे, और ये क्या करेंगे, इसे पुश करेंगे इस टी शेप को, तो हमारे पास क्या आएगा, बेंट टी शेप। ओके, आएगा हमारे पास बेंट टी शेप। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, एक दो, दो लोन पेयर्स है हमारे सेंट्रल एटम पर, तो दो लोन पेयर बेंट टी शेप। यस, ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।